गुड मॉर्निंग विद्यार्थी, और बताइए कैसे हैं? कुछ कारण से है छोटू, करीब करीब 5-6 दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, आज फैन लेके आए हैं मानव नेत्र का। बस 2 क्लास और बच रहा है, समझ गए? तो जो विद्यार्थी हैं, जो नए नए जुड़े हैं, वह है जो मानव नेत्र का 9वां भाग हम वीडियो YouTube पर डाल दिए हैं, उसको कृपया करके देख लीजिएगा। आज 10वां भाग लेके आए हैं, तो उसमें पढ़ाए थे, 9वां भाग में कुछ पढ़ा कर छोड़ दिए थे। आज क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, देखिए बोर्ड पर, बोर्ड पर है क्वेश्चन है कि एक वर्णीय प्रकाश क्या होता है। क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन है एक वर्णीय प्रकाश क्या होता है। एक वर्णीय प्रकाश क्या होता है, क्या होता है, एक क्वेश्चन है, समझे? एक वर्णीय प्रकाश क्या होता है, तो जिसमें सिर्फ एक प्रकार की रंग होता है, या जिसका जिसमें एक प्रकार का तरंग दैर्ध्य होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, एक वर्णीय प्रकाश कहा जाता है। यानी कह सकते हो कि वैसा प्रकाश जिसमें, वैसा कह सकते हैं, इसका आंसर बन सकता है वैसा प्रकाश जिसमें एक प्रकार का रंग होता है एक प्रकाश का रंग होता है, या एक प्रकार का तरंग दैर्ध्य होता है, या एक प्रकार का तरंग दैर्ध्य, या एक प्रकार का तरंग दैर्ध्य होता है, उसे एक वर्णीय प्रकाश कहा जाता है। समझ में आया? देखिए प्रश्न है, जहाँ से 9वां भाग डाले जुड़ू, उसके आगे से है एक वर्णीय प्रकाश क्या है। तो वैसा प्रकाश जिसमें एक प्रकार का रंग होता है, जैसे मान लो कि श्वेत हो गया, या मैजेंटा हो गया, या श्यान हो गया, तो इस प्रकार से जिसमें केवल एक प्रकार का होता है, उसमें ज़्यादा चीज होता नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है, एक वर्णीय प्रकाश, या कह सकते हो कि एक प्रकार का तरंग दैर्ध्य। तो हम तरंग दैर्ध्य तो पिछला वीडियो बता दिए थे, 7ों रंग का है जो तरंग दैर्ध्य बता दिए थे, कि लाल का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, बैंगनी के कितना होता है, जामुनी के कितना होता है, सबसे अधिक कितना होता है, तो ये बताए थे कि सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग का तरंग दैर्ध्य, 84 एंगस्ट्रॉम बताए थे, और सबसे कम होता है बैंगनी का, जिसका होता है 4000 एंगस्ट्रॉम। पिछला वीडियो देख लीजिएगा प्लीज भाई, समझ गए? अब इसको ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद है अब है कि बहुवर्णीय प्रकाश क्या है। बहु मतलब बहुत सा, बहुवर्णीय प्रकाश क्या है, क्वेश्चन है नुनू, बहुवर्णीय प्रकाश क्या है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सा होता है, अनेक, समझ गए? अतः वैसा प्रकाश जो कई वर्णों के मिश्रण से मिलकर बनता है, कह सकते हैं कि वैसा, क्या कह सकते हैं, वैसा प्रकाश जो कई रंगों के मिश्रण से बनता है, उसे क्या कहते हैं,
उसे कहा जाता है बहु बहुवर्णीय बहुवर्णीय प्रकाश कहा जाता है। हाँ। क्या कहा जाता है? उसे बहुवर्णीय प्रकाश कहा जाता है। तो इसका जैसे एग्जांपल इसका दे सकते हैं तो श्वेत क्या होता है? श्वेत श्वेत प्रकाश। इसका जैसे ये जगह जैसे क्या जगह जैसे श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश ये एक ऐसा चीज है जो कई रंगों के मिश्रण से बनता है, समझ गए? श्वेत प्रकाश एक ऐसा चीज है, एक ऐसा है रंग है वाला जो कई रंग उसमें सब रंग मिला रहता है, समझ गए ना? तो कह सकते हैं कि वैसा प्रकाश जो कई रंगों के मिश्रण से बनता है, कई रंगों के मिश्रण से, कई रंगों के मिश्रण से बनता है, उसे बहुवर्णीय प्रकाश कहा जाता है। दोस्त क्या कहा जाता है? अब इसका चित्र देख लीजिए। इसका चित्र इस प्रकार से होती है, तो वो है आपको देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पर नजर ना डालिएगा। नुनू कुछ प्रॉब्लम चलते हैं जो वीडियो नहीं बना रहे थे, आ गए हैं फिर मार्केट में। अब देखिए इसका बनता है एक ट्रेंगल, क्या बनता है? इस तरह से रहता है, समझ गए? इस तरह से रहता है, कोई दिक्कत? इसमें रहता है श्वेत, क्या रहता है? नुनू श्वेत। इससे हुआ बहुत चीज बनता है, समझ गए ना? अब देखिए ध्यान से, ये हो गया आपको नीला, उसके बाद हो गया ये, इसी से निकलेगा आपको मैजेंटा, उसके बाद बनेगा बनेगा हरा, हरा पीला पीला, उसके बाद श्याम श्याम, इस प्रकार से बनता है शुरू और रंग होता है, समझ गए? तो इसका एक चित्र बनता है, समझ गए? अब है एक नोट है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है हुआ कि प्रकाश के छोटे छोटे कणों, प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना होता है, यह कथन किसने कहा था? नोट में लिख लीजिएगा नोट, प्रकाश प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना होता है, कणों से बना होता है, बना होता है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने दिया? यह कथन किसने कहा या किसने दिया? तो न्यूटन साहब, कौन दिया था वह? न्यूटन, बहुत धाकड़ बेस्ट आपको वैज्ञानिक थे, समझ गए? तो ये नोट करके लिख लीजिएगा, प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना होता है, यह कथन दिया कौन? तो न्यूटन ने दिया। यह कथन किसने दिया? न्यूटन दिया, समझ गए? अब है बहुत मजेदार क्वेश्चन मैं बताने जा रहे हैं, अब है छोड़ू कि इंद्रधनुष क्या होता है, इसे कितने भागों में बांटा गया है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अपना इस पर ऐड कर लीजिएगा, समझ गए? तो अब क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष क्या है, इसे कितने भागों में बांटा गया है, समझ गए? देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंद्रधनुष क्या है, इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो पहले इंद्रधनुष के बारे में जानेंगे, इंद्रधनुष होता क्या है, इसे कितने भागों में बांटा गया है, समझ गए? देखिए ध्यान से, इंद्र क्वेश्चन बना लीजिएगा, इंद्र धनुष क्या है, इंद्रधनुष क्या है, इसे कितने कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा बांटा गया है, गया है, क्वेश्चन है, इंद्रधनुष क्या है, इसे कितने भागों में बांटा गया है? दो देखिए क्वेश्चन था छोड़ू, इंद्रधनुष क्या है, इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो इंद्रधनुष के बारे में पहले जानिए कि वर्षा होने के बाद जब वर्षा होती है तब क्या होता है? वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है, समझ गए ना? जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा होते हैं, जिधर सूर्य है उधर हम पीठ करके खड़ा होते हैं, तो कभी कभी आकाश में
आकाश में अर्धवृत्तकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है, मैंने आधा वृत्तकार रहेगा, अर्धवृत्तकार रहेगा, समझा। इसे ही इंद्रधनुष कहा जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है, इंद्रधनुष कहा जाता है। फिर से देखिए, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा होते हैं, तो कभी 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 ऐसा होता है कि कभी कभी आकाश में अर्धवृत्तकार आधा वृत्त, जैसे एक सर्किल पूरा होता है एक आधा होता है, समझ गए, तो अर्धवृत्तकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है, और इस तो पट्टी दिखाई पड़ती है, इससे ही क्या कहा जाता है, इंद्रधनुष कहा जाता है, समझ गए। इसके दो भागों बांटा गया, इसे कितने भागों बांटा गया, दो भागों। पहला होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, क्या होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष, हम बताएंगे सबको, चित्र बना के बताएंगे। पहला होता है प्राथमिक, प्राथमिक प्राथमिक इंद्रधनुष, इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरा होता है द्वितीयक, क्या होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, समझ गए। पहला होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है द्वितीय इंद्रधनुष। अब देखिए इसमें होता क्या छोटू, कैसे रहता है, देखिए ध्यान से, इस तरह से रहता है, सात वो रहेगा इसमें, समझ गए, इस तरह से रहेगा, एक दो तीन चार पाँच छ, छ हो गया नहीं, एक सात, समझ गए। तो इस तरह से रहता है, इसमें सब कलर रहता हुआ पाँच छः को कलर रहता है, समझ गए। तो इस तरह से बनता है, देख रहा है ना, फिगर देख लो, देख लो फिगर, देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात, इसमें सातों रंग रहेगा, तो इस प्रकार से बनता है। अब है बुआ कि प्राथमिक इंद्रधनुष होता क्या है, क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यहाँ से देखिए, पहला का जवाब, प्राथमिक इंद्रधनुष होता क्या है, पहला देखिए, तो कहता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष के बाहरी किनारे पर लाल रंग और आंतरिक किनारे पर, देखिए ध्यान से इसका जवाब मैं दे रहा हूँ छोटू, प्राथमिक यानी क्वेश्चन बना लीजिए, छोड़िए क्वेश्चन बना लीजिए, इसको मिटा दें, इसको इसके बाद फिगर बना लीजिएगा, इसके बाद बाई बाई से इसका मैं डिफिनेशन दे देता हूँ। तो देखिए ध्यान से, अब है क्वेश्चन कि प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष इसके जवाब ले लीजिए, प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, तो लिखिएगा प्राथमिक इंद्रधनुष के बाहरी, क्या लिखिएगा, प्राथमिक प्राथमिक इंद्रधनुष के बाहरी किनारे पर प्राथमिक इंद्रधनुष के बाहरी किनारे पर लाल रंग, क्या होता है, लाल रंग तथा आंतरिक किनारे पर बैंगनी रंग होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष के बाहरी किनारे पर लाल रंग तथा आंतरिक किनारे पर बैंगनी, क्या होता है, बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग होता है। यह इंद्रधनुष के काफी मनमोहक होता है, यह इंद्रधनुष के काफी मनमोहक होता है। यह इंद्रधनुष के काफी मनमोहक होता है तथा बहुत देर तक टिकता है, इसलिए
इसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है, इसलिए इसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है, धनुष कहा जाता है, इंद्रधनुष कहा जाता है, प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है। एक मिनट, द्वितीय इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष के बाहरी किनारे पर बैंगनी रंग, बाहरी किनारे पर हुआ बैंगनी रंग तथा आंतरिक किनारे पर लाल रंग होता है। आंतरिक किनारे पर क्या होता है? लाल रंग होता है। इसलिए यह इंद्रधनुष क्या हुआ? मलिन होता है। इसलिए यह इंद्रधनुष मलिन होता है और जल्द खत्म हो जाती है, और जल्द खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, टिकाऊ नहीं होता है, समझे? इसलिए तो आशा करते हैं मित्र कि यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, और एक दो को क्वेश्चन रहा है, ऑब्जेक्टिव है, कल ऑब्जेक्टिव डाल देंगे, ऑब्जेक्टिव जरूर देखिएगा, समझ गए ना? ऑब्जेक्टिव है जो कल डाल देंगे, ऑब्जेक्टिव 50 को ऑब्जेक्टिव है, इसमें से आपको 30 या 35 को ऑब्जेक्टिव भी आई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डाल देंगे। अब कल के बाद एक क्लास खत्म हो जाएगी, मानव नेत्र के क्लास क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और स्टार्ट किए थे, याद रखिए, स्टार्ट किए थे आपको हम मैथ वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल तो लेके आएंगे हम कल, ने परसों से हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल लेकर आएंगे, कल ऑब्जेक्टिव डाल देंगे। थैंक्स, धन्यवाद, आशा करते हैं कि अच्छा लगेगा।